जबलपुर खजरी क्रिया बाईपास के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूल बस अचानक ही पलट गई। घटना होते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि बस में 18 से 20 स्कूली छात्र बैठे हुए थे। दुर्घटना में घायल हुए स्कूली बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिन्हें मामूली चोटें आई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। एक लड़का जा रहा था साइकिल से, वो लहरा लहरा के साइकिल चला रहा था, उसको बचाने के चक्कर में पलटी है बस। कहाँ से जा रहा था? कहाँ से जा रहा था? जुनमानी। कहाँ से? कहाँ जा रहे थे? स्कूल ब्लेसिंग किड्स। कहाँ पर? अमन नगर जबलपुर। घटना कहाँ पर हुई? पिपरिया। ये ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल है गोरदा अमन नगर में। तो उसकी बस उन्हीं के स्कूल के कुछ 17-18 बच्चों को लेके स्कूल आ रही थी, तो ये खजरी बाईपास के पहले बस अनियंत्रित हो जाने के कारण पलट गई थी, जिसमें बच्चों को चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, नॉर्मल चोटें हैं और बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं अभी। क्या कारण पलटी है बच्चा बता रहे हैं कि बच्चा आ गया था अचानक, तो उस कारण बस ड्राइवर ने ब्रेक जैसा भी लगाया हो, उस कारण बस पलट गई। थाना आधार ताल। हाँ, थाना आधार ताल क्षेत्र के गांव से आ रहे थे, अपने अपने गांव से। हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ विज़न को।